एक समस्या है जी, जिहड़ा पराली का अग लगन का कारण आ, उन्हूं असी सरकार ने सबसिडी दिती है बेलर मशीनां ते वी उह पराली जिहड़ी कि इकट्ठी हो के बेल बन के निकल सके। इत्थे सरसा विच उहदा सब तो वड्डी समस्या इह आ रही है किसानां नूं वी, उहदे वास्ते बेल नूं चुक के कित्थे दित्ता जावे, उहदे बारे कोई पावर प्लांट है नहीं गा, बायोमास प्लांट है नहीं गा इत्थे, उह बेलर किसान की करे, उह खेत चों किहड़ी साइड लै के जावे, सब तो वड्डी समस्या इह आ। बेलर वालिआं वास्ते समस्या इह आ वी उह जेकर उहनूं बणाउंदे आ किसानां दा वी इहनूं चुक के लियाउणी पऊगी, उहदा जिहड़ा लागत मुल है जिहड़ा उह नहीं मिल रहा। जेकर बेलर वाला इत्थों साइड ते बेलर लै लिया, इह तों किते हरियाणे च दूसरे जिले जांदा, जिस तरह कि भेवे पावर प्लांट है, भुन्ने पावर प्लांट आ, उत्थे जिहड़ा उहदा लागत मुल है उह नहीं मिल रहा। वी जे उह लागत मुल मिले, तकरीबन लागत मुल साडा 165 रुपये आ, उहदे विच उतले बन्ने घट दो 50-60 रुपये सानूं सरकार दवे या कोई फैक्ट्री दवे ता कि उहदा बेलर मशीन वाले का घर पूरा। हाँ, हमारे पास बेलर हैं जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी प्रोवाइड करवाई 50% पर, तो अब उसको चलाने में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो सिरसा में बायोमास प्लांट नहीं है, तो उसकी ना होने की वजह से बायोमास प्लांट जो जो पराली अवशेष है, जो धान की पराली के जो अवशेष हैं, उनको जला के उनसे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो अगर वो सिरसा में नहीं है तो उसकी कंजम्पशन तो है नहीं, फार्मर के खेत में हम बना के छोड़ देते हैं ना, तो हमें उसकी बनाई का पूरा चार्ज मिल पाता है, जो हमारी लागत है। बहुत महंगी मशीनें हैं, फॉरेन से इंपोर्ट होती हैं मोस्टली ये मशीनें, तो वो लागत भी नहीं हमें मिल पाता है, और फार्मर भी उसका उठा के उसका खेत की जो जगह है वो भी रुक जाती है, उससे ना तो फार्मर को कोई फ़ायदा होता है। सबसे पहले हमने डीसी साहब से यही डिमांड की है कि हमारे सिरसा में वो बायोमास प्लांट लगाया जाए, जो हरियाणा के अनदर स्टेट में भी, अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी ये काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट में इसकी कंजम्पशन भी होती है, वो अलग इशू है, इनका जो रेट का प्रॉब्लम है वहाँ भी, लेकिन हमारे सिरसा में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी डिमांड है कि हमें बायोमास प्लांट दिया जाए, और दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो बेल बनती हैं वो हमें हर एक पंचायत की ज़मीन प्रोवाइड करवाई जाए, जहां हम उसका स्टोर कर पाएँ। हम अलग गांव से होते हैं, जहां हम जाके काम करते हैं वो अलग गांव होते हैं, वहां हमारे पास बेल को स्टोक करने के लिए कोई जगह नहीं होती कि आने वाले 3-4 मंथ के बाद हम उसको सेल कर पाएँ। तो हमारी ये मेन दो डिमांड है। जल्द ही हम सभी डीसी साहब को विज्ञापन दे के, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में जो 21 सदस्यीय कमेटी वो मिलेगी, और अपनी जो समस्याएं हैं बेलर चलाने में उनके समक्ष रखी जाएंगी, और मैं आस है कि हमारी जो समस्या है माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 15-20 दिन के अंदर जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारा कल्ला मैटर नहीं, ये मैटर इसमें हम रोजगार भी है। एक बेलर चलाने के लिए 8 ट्रैक्टरों की और 40-50 बंदों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें वायु प्रदूषण कम करने के साथ जो मेरा आल हरियाणा जो संगठन है वो इसमें एक रोजगार भी देता है, वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा कम करता है। और एक साथियों आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा माननीय सरकार को कि जो बेलर है इसमें जो फसल अवशेष इकट्ठा करने में बेलर ही एक सक्षम ऐसा साधन है जो 95% ये सक्षम है, और जो अन्य जो साधन गवर्नमेंट देती है इसके अलावा, चाहे मल्चर है चाहे प्लो है, वो इतना कामयाब नहीं हुआ है। 95% ये कमेटी के जो एसोसिएशन बेलर वाले हैं यही इसको कंट्रोल करते हैं। और मैं आश्वासन भी देता हूँ माननीय मोदी जी, अगर हमारी बेलर एसोसिएशन फसल अवशेष प्रबंधन कमेटी की जो ठीक मांगे हैं वो मांग ली जाएँ, तो हम 5 से 6 लाख एकड़ खाली करने में एक सीजन में सक्षम हैं, और करेंगे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे।